हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कैसे कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट लिख रही हूँ, जिसको आप देखकर दंग रह जाओगे। गाइस, पहले तो आप ये देखिए कि कंपनी का नाम बताती हूँ। ये कंपनी हमारी टाटा एलेक्सी, हमारे टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। दूसरा, आप इसमें ये देख रहे हो कि ये सीक्वेंस वाइज लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ के साथ आप ये देखिए, देखिए कितने अच्छा उसका ऑपरेशन इनकम हुआ है, जो कि जिसे वो मतलब अपने चलाते हैं अपनी लाइफ को। देखिए 57 लास्ट ईयर था, ठीक है, इस ईयर उसको 73 का हुआ। तो गाइस देखिए कितना बड़ा मतलब अचीवमेंट है देखने को मिल रहा है। वहीं साथ के साथ आप ये देखिए, जब आपको पता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो साथ के साथ हमारे एक्सपेंस भी होते हैं, उसी के साथ साथ एक्सपेंस में भी हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर 42 समथिंग का एक्सपेंस हुआ था और सब 50 समथिंग का एक्सपेंस हो रहा है। तो गाइस कितना बड़ा मतलब एक एक्सपेंस में गैप, उसी के साथ साथ प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गैप आया है। मतलब लास्ट ईयर 57 था, इस ईयर 73 था। तो गाइस अगर आप इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो हमें तो प्रॉफिट ही होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रॉफिट हुआ है। उसी के साथ साथ आप एक ये चीज़ देखिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22,000 समथिंग का आ रहा है, मैं पिछले साल 15,000 समथिंग का था। वहीं क्वार्टरली आपको थोड़ा बहुत जम देखने को मिल रहा है, ठीक है गाइस। उसी के साथ साथ आप देखिए टोटल टैक्स कितना उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है, 4,000 समथिंग का उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है टैक्स। उसी के साथ साथ लास्ट ईयर भी कुछ 4,055 समथिंग का था, ठीक है गाइस। और साथ के साथ फिर टोटल नेट प्रॉफिट जो हुआ है ये सब पे करने के बाद, टोटल 18,000 समथिंग का नेट प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर 11,000 का था। तो देखिए कितना बड़ा जंप देखने को मिले, कितने अच्छे जंप देखने को मिल रहे हैं टाटा एलेक्सी की कंपनी के। तो गाइस ये आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है। उसी के साथ साथ गाइस अर्निंग पर शेयर भी बड़ा है गाइस, वो भी आप देखिए ज़रा। देखिए अर्निंग पर शेयर भी बड़ा है, पिछले साल 18 था, इस साल 29 था। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। तो गाइस मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ कंपनी के सेगमेंट में भी हमें वहीं पे इंक्रीमेंट देखने को मिली है। आप ये देखिए लास्ट ईयर 54 समथिंग का, मतलब जहाँ से हमें काम प्रोवाइड हुआ था, 54 समथिंग का काम मिला था। उसी के साथ साथ इस साल हमें 71 समथिंग का मिला। तो गाइस देखिए कितना बड़ा मतलब हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उस सर्विस है, उससे ही हमें तो कितना बड़ा काम मिला है, कितना और सिस्टम इंटीग्रेशन जब सर्विसेज तो थोड़ा ही हमें उसमें 1100 से 1500 का भी देखने को मिला है डिफरेंस। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज में हमें कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि लास्ट ईयर 54 था और इस ईयर हमारा 71। वहीं क्वार्टरली में भी कितना हमें 3 गुना समथिंग का हमें जम देखने को मिला है। तो गाइस कितना अच्छे नंबर हैं, आप ये खुद देख सकते हैं इस कंपनी के। तो गाइस ये मैं आपको ये बताऊँगी कि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है गाइस, शॉर्ट टर्म का नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो इसमें इन्वेस्ट करना तो आप इस जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट बड़े ही अच्छे आए हैं। वहीं कहीं ना कहीं आईटी कंपनी के और भी रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो फ्लैट रेट्स पे रहे हैं। बट टाटा एलेक्सी के नंबर्स आप खुद देख रहे हो, जो मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं, तो कितने अच्छे आए हैं। उसी के साथ साथ आप देखिए क्वार्टर वन के रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, इसमें बढ़ता हुआ हमें दिखाई, देखिए 150, 184, 211 पे आकर स्टॉप हो गया है गाइस। उसी के साथ साथ आप ये देखिए इस कंपनी के अंदर, टाटा ग्रुप की कंपनी के अंदर इसमें प्रमोटर्स बने रह रहे हैं। FIS का इतना पार्ट है, शेयर है DIS का इतना है, पब्लिक का भी शेयर 36 समथिंग है। मतलब हर कोई इस कंपनी में बना रहना चाहता है और हर कोई अपनी इसमें पहुंच बनाए रखना चाहता है, अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है। गाइस थोड़ा बहुत हमें इसमें देखने को मिला है कि अभी ये 8,065 पे आकर स्टॉप हो गया है 19:30 का। बट ऐसा नहीं है, आपको पता है हर एक कंपनी प्लस माइनस चलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी वाला बस ऊपर जाती रहे, वो नीचे ना आए। आपको बस इतना पता है कि रोलर कोस्टर वाला जैसे रोड होती है वैसे ही होता है, कि कभी वो डाउन जाती है तो कभी वो अप जाती है, कभी डाउन फिर अप। तो गाइस हर एक कंपनी में इस चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आपको बस इतना बताऊँगी, कोई भी कंपनी हो सब में प्लस माइनस चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा आपको उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया टाटा एलेक्सी के क्वार्टर वन के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं और वाकई में ये बहुत अच्छा कर रही है अभी। हाँ, इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है 48% की, बट ऐसा नहीं है कि यहीं पर आकर रुक गई, कि आपको पता है ये आगे भी और बढ़ेगा।
तो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी टाटा गैलेक्सी पे। तो आपको बस इतना ही है, इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो पहले स्टडी करें, फिर रिसर्च करें, देन इन्वेस्ट करें। तो मेरी इन्फ्लुएंस भी नहीं आना गाइस, ये करना आपको खुद से है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कम से कम 5 मिनट तक के लाइक तो प्लीज़ आप दें मेरी वीडियो को, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ आप लोगों के लिए और अच्छी न्यूज़ और अच्छी स्टॉक पे लेकर आ पाऊँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।